की बार के बात करने के लिए आया हूं, आपकी मन की बात पोल खोल में होगा। थैंक यू। मंच पे आसीन आदरणीय बीजेपी का, ये कम से कम मैदान ही एक बीएमसी का तो ये कम से कम साफ सुथरा रहे, और पर्यावरण की बातें भी होती हैं तो पर्यावरण के लिए साफ सुथरा रहना। ज्या ज्या वेळेला मुंबई महापालिकेची निवडणूक झाली आहे, 85 पासून ते आजपर्यंत या ठिकाणी केवळ आणि केवळ शिवसेनेचा नगरसेवक। बात करें तो यहां पर भी काफी समस्या है, किस तरह देखते हो और क्या लगता है भाजपा इसे खत्म करने में कितनी कामयाब हो पाएगी अगर यहां की जनता भाजपा को चुनती है? देखिए, ऐसा है कि मैंने अपने भाषण में कहा भी कि 1985 से लेके अभी तक इस परिसर ने जब भी चुनाव हुए नगर सेवक के रूप में शिवसेना के प्रतिनिधि को चुना है, लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं, आज भी हमारी माता बहनों को मढ़ की पानी के लिए मोर्चा निकालना पड़ता है, इससे बड़ा और कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। रास्तों के बारे में आप देखिए, अभी भी पूरी तरह से मढ़ में आने के लिए आपको रास्ते की सुविधा पूरी तरह से नहीं है। मुझे लगता है कि 1985 से लेकर 2017, आज हम 2022 में हैं, इतना बड़ा स्पैन मिलने के बाद भी केवल और केवल यहाँ की जनता, यहाँ का परिसर, ये दोहन के लिए है ना कि सेवा के लिए। ये यहाँ की शायद जनप्रतिनिधियों की मानसिकता है, और समस्या एक नहीं अनेकों है ना। मैंने कहा भी वैसे कि यहाँ के जो मूल निवासी हमारे कोळी बांधव है, इनके घर की दुरुस्ती का विषय यदि हो तो तुरंत महापालिका आती है। अभी तक इन कोळी समस्याओं को देखते हुए यहाँ के गांवठण का सीमांकन नहीं हुआ है, जो करने की बड़ी आवश्यकता थी। क्यों नहीं किया शिवसेना ने, इसमें कौन सी कठिनाई थी? और मुझे लगता है कि ये सारी बातें देखने के बाद केवल और केवल इन सारे परिसर को वोट और फिर बाद में नोट, ये छोड़कर और कोई इसका मतलब नहीं है, ये मेरी पूरी धारणा है। आज महेश जी ने जिस तरह से इस पोल खोल का आयोजन यहाँ पर किया है, किस तरह देखते हैं महेश जी, किस तरह से जनता के हित में, जनता की जरूरतों के हिसाब से यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके काम को कैसे देखा है आपने? देखिए, ऐसा है कि महेश जी यहाँ के मूल निवासी है, कोळी बांधव है, लोगों में बीच में रहते हैं, यहाँ के गाँव मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष है, और मुझे लगता है कि कार्यकर्ता है। बेसिकली सबसे ज़रूरी बात है कि महेश जी एक कार्यकर्ता है, जो यहाँ की समस्या है उन समस्याओं से अच्छी तरह से अवगत है, और इन समस्याओं को कैसे छुड़ाना चाहिए ये उन्हें पता है। और मैं जब भी उनसे मिला हूँ, यहाँ पर मैं आता हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के हमारे पुराने कार्यकर्ताओं ने, तो विशाल जी आज यहाँ मैं गोस्वामी जी को देख रहा हूँ, यहाँ रुदयाल है, सुनील है, यूनिस है, मनोज मिरांडा को मैं यहाँ देख रहा हूँ, ये सारे हमारे कार्यकर्ता डट के काम कर रहे हैं। हमेशा भगवे में ही नजर आ रहे, क्या लग रहा है भगवे से ही वोट मिलेंगे? देखिए, ऐसा है कि शिवाजी पार्क की सभा में भाषण देने से कोई हिंदुत्ववादी नहीं होता है। इस हिंदुत्व के लिए भारतीय जनता पार्टी, इसके पहले भारतीय जनसंघ और संघ की पीढ़ियां खपी है। लोग अपने घर से निकले संघ के स्वयंसेवक प्रचारक के रूप में, वे अपने घर पे वापस भी नहीं आए। उनकी मृत्यु कहाँ हुई ये शायद किसी को पता नहीं होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में जाइए, अरुणाचल, आसाम, मिजोरम, मणिपुर, जहाँ पर कभी हिंदुत्व की बात करना गुनाह होता था वहाँ हत्याएं होती थी। आज भी केरल में आप जाइए ना, क्या हो रहा है वहाँ पर? तो ये मुंबई में बैठकर चर्चा नहीं होती, वहाँ पर जाकर काम करना पड़ता है, हिंदुओं का संगठन करना पड़ता है, जो धर्मांतरण की बातें होती है उन्हें रोकना पड़ता है। आज भी डांग में जाइए, आज भी डहाणु में जाइए, कई गांव में आप भी आज भी देखेंगे तो वहाँ पर क्या हो रहा है। जिन कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन खपा दिया उसके बाद ये हिंदुत्व आया है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदुत्व कोई राजनीति का विषय नहीं है, जरा भी नहीं है। ये राजनीति का विषय नहीं है, हमारे आस्था का विषय है। हम जब दो थे तब भी हम इसी मुद्दे पर कायम थे, आज हम 302 बने हैं तब भी इस मुद्दे पर कायम है, और मैं आपको इस बात की पूरी शाश्वती देता हूँ कि 2024 के चुनाव में हम 350 भी होंगे तो हम अपने मुद्दे से यहाँ के वहाँ नहीं होने वाले हैं। हम अपने मुद्दे
गूंजेगी और आने वाले चुनाव में लगता है इसका असर भी देखने को मिलेगा? मैंने मेरे वक्तव्य में शुरुआत में ही कहा कि यहाँ की जितनी भी समस्या यहाँ के स्थानिक लोगों ने, हमारे कुछ नेताओं ने गिनी, उस समस्या की जड़ है यहाँ के आमदार असलम शेख। बात पूरी तरह साफ है, 3 टर्म आमदार, उसके पिताजी यहाँ 1 टर्म नगर सेवक, और उसके बावजूद मढ़ की ये छोटी छोटी समस्या हल नहीं होती है। तो इसका कारण ये जो लोक प्रतिनिधि जो जिता के दिए हैं, भले वो शिवसेना का हो, कांग्रेस का हो, उसमें ही जड़ है। लोक प्रतिनिधि अगर लोगों का काम नहीं करते तो समस्या की जड़ लोक प्रतिनिधि है। और आने वाले समय में, समय जल्दी आ रहा है, मुंबई महानगर पालिका का चुनाव आ रहा है, और उसमें यह समस्या की जड़ निकालने का पूरा मौका यहाँ की जनता को मिला है। और यह समस्या की जड़ निकालना सिर्फ हम इसके लिए नहीं बोलते कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा आपके सामने है। हमारे यहाँ के लोगों को पूरी तरह हमने गिनाया, कोरोना का काल हो, तोहफे तूफान बादल का चक्रवात का समय हो, इसमें कौन लोगों के लिए खड़ा रहा और लोगों का किस तरह विकास नहीं हुआ। जैसा हमारे वक्तव्य में कहा कि ये मढ़ और वर्षावा का जो ब्रिज हो नहीं सकता है, यहाँ तक आने के लिए आज कितने सालों से एक सड़क है, कितने टेंडर पास हो चुके हैं, कितने प्रपोजल आ चुके हैं, उसके बावजूद भी समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है। तो जड़ ही हमको ख़त्म करनी है ताकि लोगों की समस्या दूर हो जाए। सुनील जी, भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से आप प्रचार कर रहे हैं, यदि यहाँ पर नगर सेवक चुन के आता है तो किस तरह से कार्य करेगा कि जो शिवसेना ने अब तक नहीं किया है? देखिए, कार्य करने का जो है, जो प्रपोजल रखे हैं वही प्रपोजल अगर पूरे करें तो लोगों की समस्या दूर हो सकती है। जैसा यहाँ पूछा गया कि हम जो प्लॉट में बैठे हैं यहाँ से अगर किसी को कुछ तकलीफ होती है तो 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर लंबा हमको इलाज के लिए जाना पड़ता है। ये प्लॉट उसके लिए, हेल्थ पोस्ट के लिए है, यहाँ छोटी डिस्पेंसरी बन सकती है, लोगों की समस्या यहाँ के यहाँ दूर हो सकती है। तो हम शुरुआत यहीं से करेंगे और लोगों को सुविधा देंगे। हॉल में आए हुए जितने भी कार्यकर्ता लोग आए, सम्मिलित हुए, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे वरिष्ठ नेता का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना दूर से, मैं इसीलिए दूर के शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि यही एक मढ़ ऐसा एक जगह है यहाँ पर से कि 14 किलोमीटर के का दूरी तय करना पड़ता है हॉस्पिटल के लिए। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, उसकी माँ अगर पढ़ाना चाहती है, तो 13-14 किलोमीटर उसको भेजना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो ये समस्या यहाँ का मूलभूत बहुत ही बड़ा समस्या है। उसको शिक्षा की बात करें, सरकारी स्कूल नहीं है। आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई अच्छा सा पार्क नहीं है जहाँ पर बुजुर्ग लोग शाम को बिता सकें। और यहाँ पर सबसे मूल जो आवश्यकता है वो हॉस्पिटल, क्योंकि आपको जानकारी होगा कि यहाँ पर हॉस्पिटल के चलते बहुत लोगों का यहाँ पर मृत्यु हुआ है। और मैं फिर एक बात दोहराना चाहता हूँ, जो भी अक्सा बीच में जो बना है, पार्क बना है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि टूरिस्ट प्लेस कन्वर्ट हो सके और वहाँ से भी लोगों को रोज़गार उत्पन्न हो सके, जो यहाँ बेरोज़गारी है वो उस रोज़गार में कन्वर्ट हो सके।